इस लेसन में हम एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन हमारे पास है I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1/8 to 1, ये इसकी लिमिट है और क्वेश्चन है एक्स रेज टू पावर 1/3 + 2 होल स्क्वायर। देखें ये होल स्क्वायर आपके न्यूमिरेटर के ऊपर है, डिनोमिनेटर पे नहीं है। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, अदरवाइज बहुत इजी है। लिमिट 1/8 to 1 फर्स्ट स्टेप में हम ऐसे करते हैं कि हम इसको डिनोमिनेटर में जो हमारे पास है इसको हम ऊपर ले आते हैं और जब ये न्यूमिरेटर में आएगा तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी। ये पॉजिटिव 2/3 है तो ये -2/3 इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहां हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसको सपोज करते हैं। सपोज हम कर लेते हैं कि t इज इक्वल टू, देखें जो हम सपोज करेंगे ये आखिर में यूज होगा, हम इसको x रेज टू पावर 1/3 + 2 इसको हम कहते हैं कि ये सपोज t इज इक्वल टू आपके पास ये है तो dt किसके इक्वल हो जाएगा, dt आपके इक्वल हो जाएगा 1/3। क्या करते हैं, ये जो जो भी पावर होती है उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं और पावर में से हम 1 माइनस कर देते हैं जबकि ये आपके पास 0 हो जाएगा और इसको पावर को छोड़ के इसको हम छोड़ इग्नोर कर दें और ये जो फंक्शन है इसका हम जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 आ जाएगा हमारे पास। तो ये हो जाएगा 1/3 और इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 1 टाइम 3 -2/3 एक्स पावर -2/3 इंटू डी एक्स, यहाँ पे भी डी एक्स लिखना है राइट और यहाँ हमारे पास डी टी था। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देती हूँ इसको तो ये हो जाएगा 3 dt, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 3 dt। आपने क्या करना है, इसके नीचे लिखना है, यहाँ रूम नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिख रही हूँ 3 dt इक्वल टू नेगेटिव एक्स रेज टू पावर 2/3 dx। देखिए आखिर में आपको मैं बताऊंगी ये जो है हमारे पास एक्स रेज टू पावर 2/3 dx एग्जैक्ट ये यहाँ सेम है और ये 3 dt के इक्वल है, यहाँ हमने इसको पुट करना होगा और एक्स 1/3 + 2 मैंने टी को इसको सपोज किया है तो हमने यहाँ टी लिखना होगा, आखिर में लिखना होगा, मैं आपको बताती हूँ राइट। तो यहाँ हमने सपोज किया है और जब हम इसको सपोज कर लेते हैं तो हमें ये जो लिमिट है इसको भी चेंज करना होगा। ये कैसे चेंज होगी कि मैं कहती हूँ सपोज आपके पास इफ एक्स इज इक्वल टू 1/8, क्योंकि देखें यहाँ लिमिट क्या है 1/8 to 1, तो जब लिमिट 1/8 है तो t में क्या है, t इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 1/3 + 2, इस x की जगह मैं 1/8 लिखूंगी। कैसे, देखें इफ x इज इक्वल टू 1/8 तो t किसके इक्वल था, t हमने क्या सपोज किया था, हमने सपोज किया था कि t हमारे पास है, मैं एक दफा लिख लेती हूँ ताकि प्लस टू, तो जहां पे हमारे पास x है वहां मैं 1/8 लिखती हूँ और 1/3 + 2 हमने लिख लिया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 8 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 raised to power 3 और 1/3 + 2। एक स्टेप और कर लेते हैं ताकि और थोड़ा क्लियर हो जाए, ये जब हम 2 को हम ऊपर ले आएंगे न्यूमिरेटर में तो इसकी पावर -3 हो जाएगी और ये 1/3 + 2, ये 3 3 से कैंसिल हो गया, यहाँ हमारे पास रह गया 2 power -1 + 2 विच इज इक्वल टू 1/2। अब इसको हम फिर डिनोमिनेटर में ले जाते हैं 2, ये हमारे पास हो जाएगा 5/2। तो t की क्या वैल्यू आई हमारे पास, t की वैल्यू हमारे पास एक वैल्यू आ गई 5/2। इसको मैं ऐसे कर देती हूँ, कब आई, जब हमने कहा कि if x इज इक्वल टू 1/8 लोअर लिमिट। अब मैं यहां करती हूँ x इज इक्वल टू, if x इज इक्वल टू 1 अपर लिमिट राइट, देखें यहाँ जो अपर लिमिट है 1 तो t की क्या वैल्यू आएगी, तो t इज इक्वल टू x, फिर हम इसको लिख लेते हैं प्लस 2 और x है इक्वल टू 1 raised to power 1/3 + 2, इसकी पावर जो भी हो 1 की वो 1 ही रहती है तो ये आ जाएगा हमारे पास t इज इक्वल टू 3। t इज इक्वल टू 3 कब आएगा हमारे पास, जब x इज इक्वल टू When x is equal to 1, x 1 है अपर लिमिट है तो t आपके पास 3 आ गया
और जब हमारे पास x इज इक्वल टू 1 ओवर 8 है लोअर लिमिट, तो t की वैल्यू 1 ओवर 8 आ गई। इसको हमने अब अपने क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि हमने सपोज किया था इसलिए हम इसकी लिमिट भी चेंज करेंगे। दोबारा क्वेश्चन यहां मैं लिख लेती हूँ ताकि आपके सामने हो, 1 ओवर 3 प्लस 2 माइनस 2 ओवर 3 इंटू डी एक्स, ये किसके इक्वल हो जाएगा। अब हमने पावर भी इसकी चेंज कर दी, लोअर लिमिट हो गई 5 ओवर 2 अपर लिमिट 3, राइट। ये चीज देखिए मैंने आपको पहले बताया था, ये हमने टी एक्स रेस टू पावर 1 ओवर 3, यहाँ एक दफा और देख लेते हैं, ये देखें टी इसके इक्वल था तो हम इसके यहाँ पे ये स्क्वायर है तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा, और ये मैंने आपको बताया था कि 3dt इसके इक्वल है तो यहां मैं लिख लूंगी 3dt। अब हम इसकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं, सिंपल हो जाएगा, राइट। कैसे हो जाएगी, ये होगा 3 कांस्टेंट है कॉमन ले लें, अंदर हमारे पास चला जाएगा टी स्क्वायर डी टी, लिमिट आपके पास ये है 5 ओवर 2, तो देखें ये हो जाएगा हमारे पास, कैसे इसकी इंटीग्रेशन होगी, 3 आपके पास अभी बाहर है 5 ओवर 3, और इसकी एक पावर ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 3 क्यूब ओवर 3, और यहां पे हम जब इसकी इंटीग्रेशन हमने की है तो हमें इस हमारा चेंज हो जाएगा 3, इसको हम ब्रैकेट में कर लें या आप ऐसे करके लिख लेते हैं, हम इसकी लिमिट है 3 और यहाँ पे है 5 ओवर 2, राइट। अब ये 3 भी है, ये जो हम बाहर ले सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 ओवर 3, राइट। और यहां हमारे पास क्या रह जाएगा, क्यूब 3 क्यूब, और लिमिट हमारे पास है 5/2 to 3। देखें ये 3 3 से कैंसिल हो गया, अब हम यहाँ लिमिट भी लगा लेते हैं, अपर लिमिट है 3 तो ये हो जाएगा 3 क्यूब माइनस 5 ओवर 2 होल क्यूब, तो ये क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास, सॉरी ये हमारा क्यूब है तो ये हो जाएगा 27 माइनस 125 ओवर 8। कैसे हुआ ये, 3 3 times है, आप इसको कभी ऐसे नहीं कहें 3 3 times 9 9 नहीं लिखेंगे, 3 multiply by 3 multiply by 3 27, same thing 5 को 3 times लिखें, 5 into 5 into 5 125, same thing यहाँ हो जाएगी। LCM हमने लिया तो LCM इसका 8 आ जाएगा, ये हो जाएगा 216 minus 125, which is equal to 91 over 8, और यही इसका आंसर है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप जरूर पूछिए, साइमा एकेडमी को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करनी है आपने, और बहुत शुक्रिया।